रोज़ाना रात को जब मैं अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता तो वो कहती मैं बीमार हूँ। एक साल तक तो वो ऐसे ही करती रही। मैं उसकी इन हरकतों से अब परेशान हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे बदला लेता हूँ। फिर रात को मैंने भी उसके साथ शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, देख आज की रात अपनी पत्नी को काबू करके रखना, नहीं तो वो ज़िंदगी भर तुझे दबा कर रखेगी। मेरे दोस्त रौनक मजाक के अंदाज में मुझसे ये सब कह रहा था। तभी दूसरे ने कहा, अरे इस सब से क्या होगा, ये तो ज़िंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहेगा। मेरे सभी दोस्तों ने मेरा मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाते हुए मैं बेताबी से कमरे में दाखिल हुआ, पर कमरे के अंदर के मंजर ने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। मेरी नई नवेली दुल्हन शालिनी सर तक चादर ताने सो रही थी। शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा था और साथ में जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे थे। मेरे तो सारे जज्बात ठंडे पड़ गए थे। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो रात के 11 बज रहे थे। इतना ज़्यादा वक्त भी अभी नहीं हुआ था और शादी के माहौल में तो इतने वक्त हो ही जाते हैं, तो क्या नई नवेली दुल्हन थोड़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार भी नहीं कर सकती है, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पिछले एक महीने से एक एक दिन गिन रहा था और हर रात बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदलता था। मुझे तो शादी की रात का बेसब्री से इंतज़ार था कि आज की रात शालिनी मेरे साथ होती और हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी बातें करते और अपनी तमाम ख्वाहिशातें पूरा करते। लेकिन शायद मेरे और शालिनी के जज्बात अलग अलग थे। वो मेरी तरह मेरे लिए बेकरार नहीं थी, इसलिए वो मेरे आने से पहले अपने कपड़े भी बदल चुकी थी। जिस रात का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो रात तो आ गई थी, लेकिन बाकी सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे। मैं मरे मरे कदमों से शालिनी के करीब आया और उसके चेहरे से चादर हटाई तो वो गुस्से से कहने लगी, क्या मुसीबत है, सोने क्यों नहीं देते। उसकी आंखें बंद थीं और वह दोबारा नींद की आगोश में चली गई। उसका चेहरा किसी गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। उसे देखते ही उसकी मासूमियत से मुझे प्यार आने लगा। मैं खुद को तसल्ली देते हुए सोचने लगा कि अब तो शालिनी मेरी है और ज़िंदगी की हर रात मुझे उसके साथ ही गुजारनी है। क्या हुआ जो आज की रात वो सो गई, यकीनन वो बहुत थकी होगी। लड़कियों को तो शादी में बहुत सारे काम होते हैं। मैंने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली तो लंबी घनी पलकों ने उसके चेहरे की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। मैंने फौरन ही नज़रें चुरा ली कि कहीं मेरी ही नज़र मेरी पत्नी को ना लग जाए। मैं कपड़े बदल कर बिस्तर पर सोने को आया तो एक दफ़ा फिर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे और मैंने सोती हुई शालिनी को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी इस हरकत से उसकी आंख खुल गई और वह ऐसे करंट खाते हुए पीछे हटी कि जैसे मैं कोई डरावनी सी चीज़ हूँ। उसकी आंखों में खौफ की परछाई मुझे साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर इतना डरी हुई क्यों है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो गहरी नींद से जागी है, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे डरी हुई है। मैंने प्यार से उससे कहा कि मेरी जान क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ, मैंने तो तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। मैंने साइड टेबल पर रखे अंगूठी को शालिनी के हाथों में पहनाना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। शालिनी का रवैया मेरी समझ से बाहर था। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे छूने की कोशिश मत करो, आप मुझे छूते हो तो मुझे घिन आती है और मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं उसका पति था, कोई गैर नहीं, मेरा उसके ऊपर पूरा हक था, लेकिन आज की रात तो मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती करता तो वो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचती। इसलिए मैंने उससे कहा कि वह परेशान ना हो और सुकून से सो जाए। मैं उसे कुछ वक्त देना चाहता था। मैं अच्छी तरीके से जानता था कि किसी भी लड़की के लिए अपना घरवार छोड़ना और एक नई ज़िंदगी में कदम रखना इतना आसान नहीं होता। शायद वह भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वह ऐसे पेश आ रही थी। थोड़ी देर में वह दोबारा चादर ओढ़ कर सो गई थी
और मैं भी करवट बदल कर लेट गया था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था। मैं ये जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को सोहबत, मोहब्बत, सबर और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता है, मगर मुझे एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो वो रात वाली नाराज़गी शालिनी कहीं गायब हो चुकी थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो अच्छी तरीके से तैयार हुई। इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ करता, वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मेरे मम्मी पापा के उसने बड़े ही प्यार से पैर छुए और उनके पास जाकर बैठ गई। उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन हो गया था कि वो जल्दी ही हमारे घर में अपनी जगह बना लेगी। मेरे छोटे भाई बहन से भी वो बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रही थी। मैं वहीं पर बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे की दिलकशी मुझे घायल कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पकड़कर दोबारा कमरे में ले जाऊं। मैं तो उसे ठीक से दुल्हन बने देख भी नहीं पाया था। धीरे धीरे दिन गुजर गए और अगले दिन हमारे रिसेप्शन की पार्टी थी। रिसेप्शन के वक्त स्टेज पर ही मैंने शालिनी के कान में कह दिया कि आज रात वह मेरे आने से पहले अपने कपड़े चेंज बिल्कुल भी ना करे। उसके बाद मैं दिल भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। शालिनी ने मेरी बातों का उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपने मौसेरे भाई से बात करने में इस कदर व्यस्त थी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं रहा था। उन दोनों की आपस में न जाने क्या बातें चल रही थीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरे कहने के बावजूद भी अपने कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं उसका पति था, लेकिन उसके दिल में मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी और ना ही उसे मेरे जज्बात का एहसास था। मैंने आगे बढ़कर उसके ऊपर से चादर हटाई और कंधे से पकड़कर उसे हिलाया तो वो आंखें खोलकर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने नरम लहजे में उससे कहा, शालिनी मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरा इंतज़ार करना। तो वो कहने लगी, अरुण मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं जाग नहीं सकती, मुझे जल्दी सोने की आदत है। मैंने कहा, पर अब तुम जाग गई हो तो उठकर बैठ जाओ और कुछ देर तुम मेरे साथ गुजारो। सुबह देर तक सोती रहना, कोई तुम्हें नहीं उठाएगा। उसके हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वह आंखें मलती हुई उठकर ऐसे बैठी जैसे उसने मुझ पर कोई एहसान किया हो। मेरे लिए अब ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैंने गुस्से से उसके गालों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। उसके लिए ये सब एकदम अजीब था। वो घबरा कर बिस्तर से उठ खड़ी हो गई और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब है। बेहतर यही होगा कि अब आप मुझसे दूर ही रहें। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी नज़दीकियों से उसे क्या परेशानी थी। मैंने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच कर अपने बराबर में बिठाया। ऐसा करने से वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया था क्योंकि उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज हो रही थी कि कमरे से बाहर भी जा सकती थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरी करीब ना आया करें। मुझे बड़ा अजीब लगता है, किसी का भी छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। शालिनी के इस तरह की बातों ने मुझे चौंका दिया था। मेरी पत्नी शायद किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी और ये बात मुझे आज पता चली थी। वो कहने लगी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर तो एक आग जल रही थी और बर्दाश्त अब ख़त्म होने को थी। मैं 30 साल का एक जवान मर्द था जिसकी अपनी कुछ ज़रूरतें भी थीं। मैं अपनी पत्नी पर जी भर के मोहब्बत लुटाना चाहता था, लेकिन वो तो मेरे हाथ लगाते ही इस कदर हरकतें करती, इसके आगे मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। घर में अगर मेरे माँ बाप मौजूद नहीं होते तो शायद मैं उसके रोने पर नहीं जाता और ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं था। घर में मेरी जवान बहन और भाई भी मौजूद थे। मेरी कोई भी गलत हरकत मुझे मेरे ही घर वालों की नज़रों में गिरा सकती थी, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो तो दोबारा सुकून की नींद सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींदें उड़ गई थीं क्योंकि ये एक दो रातों की बात नहीं थी और ये परेशानी ऐसी थी कि मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था और ऐसे हर रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा।
लेकिन अगले दिन सुबह वो पहले की तरह ही फ्रेश उठी और नहा धोकर सजने सवरने लगी। मैं बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसे भी अपने वजूद पर मेरी नज़रों की तपिश का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अपने सूट का दुपट्टा उठाया पर फैलाकर ओढ़ लिया, जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ। उसकी ये हरकत मेरे बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन मैं खामोश हो गया। वह पूरी तरह सच समझ कर कमरे से निकल गई थी और मैं अपना दिल महसूस कर रह गया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर ही गुस्सा आ रहा था। शालिनी वह लड़की थी जिससे शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माँ बाप को मनाया था। शालिनी मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। मैं पहले उसके घर जाया करता था और एक ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था, पर शायद मेरा प्यार एक तरफा था। जब मेरे घर में मेरी शादी की बात चलने लगी तो शालिनी का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने नज़र आने लगा और मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं जब शादी करूँगा तो फिर शालिनी से ही करूँगा। मेरे माँ बाप मेरे इस फैसले से सहमत थे और अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात अपने दोस्त से चलाई। शालिनी के पापा ने भी तुरंत हामी भर दी और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी की तारीख तय हो गई। एक महीने मैंने दिन रात शालिनी की सोच में गुजारा था और आज वही शालिनी मुझे ऐसे तड़पा रही थी कि मैं ये परेशानी किसी से बता भी नहीं सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा वो घर वालों के साथ नाश्ता करने में मगन थी। मेरे पापा मुझे देखकर कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तो सुबह सुबह ही उठकर कमरे से निकल आती है, लेकिन तुम्हारी नींद है कि पूरी ही नहीं होती। अब मैं पापा को क्या बताता कि मैं तो पूरी रात का जागा हुआ हूँ और शालिनी तो पूरी रात घोड़े बेचकर सोती है। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि शालिनी को एक दो दिन के लिए उसके मायके छोड़ दो, क्योंकि शालिनी के घर वालों का फ़ोन आया था। वह लोग कह रहे थे इसकी बुआ फॉरेन में रहती है और शालिनी से मिलकर ही जाना चाहती है। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया और जब कमरे में आया तो देखा शालिनी खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी। मायके जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी कि आज वो बहुत खुश है। मैंने शालिनी के कान पर झुकते हुए कहा कि ये दो दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा, तुम आज ही अपनी बुआ से मिलकर वापस आ जाना। वो घबरा कर दो कदम पीछे हट गई। उसका यही रवैया मेरी जान जलाने लगा था। मैं उसे मायके ले जाने की बजाय डॉक्टर के पास लेकर गया। पहले तो वह हैरान हुई और जब उसे पता चला कि मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि कुछ वक्त में वह खुद ही ठीक हो जाएगी, उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। मेरे लाख समझाने पर भी वो डॉक्टर के पास जाने को राजी नहीं हुई। मैंने उसे उसके मायके छोड़ दिया और अगले दिन जब मैं उसे लेने गया तो वो अपनी मौसी के बेटे के साथ ड्राइंग रूम में बैठी न जाने क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी ज़ुबान पर ताला लग गया। वह दोनों इस कदर करीब होकर बैठे थे कि मैं उन्हें देखते ही हैरान रह गया कि मेरी पत्नी को मेरी वजूद से तो घिन आती है, लेकिन इस लड़के के साथ बैठकर इसे कोई घिन महसूस नहीं होती। मैं शालिनी को लेकर घर वापस आ गया था और दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। शालिनी ना ही अपना इलाज करवाने को तैयार थी और ना ही मेरा हक देने को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मेरे दोस्त मेरा चेहरा पड़ चुके थे। वो अक्सर ही मुझसे पूछते कि आखिर तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। अब मैं उन्हें क्या बताता, मेरा दिल तो पूरी तरह से टूट ही चुका था। मैं हर रात बिस्तर पर पड़ा पड़ा करवटें बदलता और शालिनी को सोता हुआ देखता। कभी कभी मेरे अंदर की बेचैनी मुझे किसी गुस्ताखी पर मजबूर कर देती और शालिनी जारो कतार रोने लग जाती। सबसे अच्छी बात यह है थी कि उसका रवैया मेरे घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा था। शालिनी ने मेरे पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ तो उसकी तारीफें करते नहीं थकती थी। मेरे बहन और भाई भी हर वक्त अपनी भाभी के गुण गाते। कभी कभी उसकी मौसी का बेटा मेरे घर आ जाया करता तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों बातें करते, और कभी कभी रात में जब उसका फ़ोन आता तो वो बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती। मेरे पूछने पर कहती कि मेरे कमरे में सिग्नल नहीं आता, इसीलिए बात करने के लिए मुझे मजबूरन छत पर जाना पड़ता है। अजीत शालिनी की चचेरी मौसी का बेटा था। रिश्ते में वो उसका मौसेरा भाई लगता था, पर उन दोनों की नज़दीकियाँ कभी कभी मुझे उनके रिश्ते पर शक करने को मजबूर कर देती। लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी
कि मैं अपनी पत्नी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और हमारी शादी को 1 साल होने वाला था, लेकिन अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था। दुनिया की नज़रों में हम पति पत्नी तो ज़रूर थे, पर हम दोनों के बीच की दूरियों से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ थे। अगर शालिनी मेरी मोहब्बत ना होती तो शायद मैं अभी तक अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता, लेकिन मैंने उससे पसंद की शादी की थी और मैं इस रिश्ते को हर कीमत पर निभाना चाहता था। अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी की सालगिरह आने वाली थी। मेरी शादी की सालगिरह वाले दिन मैंने अपने दोस्त के फार्म हाउस को पूरी तरह से सजवा दिया था और सोच लिया कि आज की रात तो हर हाल में मैं शालिनी को पाकर रहूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर में तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं सकेगी। इसीलिए मैंने अपने माँ बाप को पहले ही बता दिया था कि मैं शालिनी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और आज की रात हम अपने दोस्त के फार्म हाउस पर ही गुजारेंगे। शालिनी को लेकर मैं फार्म हाउस पर निकल गया, जो कि शहर से काफ़ी बाहर था। मैंने शालिनी को इस सब के बारे में नहीं बताया था कि रात को हम लोग फार्म हाउस पर ही रहने वाले हैं और वहीं पर पूरी रात गुजारने वाले हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल देगी। मैं उससे बदला लेना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी हसरत पूरी करूँगा, उसके अंदर की सारी करहियात निकल जाएगी। फार्म हाउस पर पहुंचकर शालिनी को पता चला कि हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं। जब उसे ये बात पता चली कि हमारे घर वाले नहीं आएंगे, तो ये जानकर वो गुस्से में कहने लगी कि हम शहर से इतनी दूर अकेले यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए यहाँ से चलते हैं। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे बाजुओं से उठाकर सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर पटक दिया। शालिनी, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 1 साल अपने जज्बात का कत्ल किया है, लेकिन अब मेरे लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर था। तुम मेरी पत्नी हो और हमारे बीच हर रिश्ता बिल्कुल जायज़ है, इसीलिए अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ये सब कहने के बाद मैं जैसे ही उसके करीब आया तो वह मुझे धक्का देकर बेड पर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। और रोते हुए उसने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, और मोहब्बत ही नहीं, मैंने अपने माँ बाप के चुप से उससे शादी भी कर ली है। शालिनी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये कैसा सच था जो मुझे शादी के 1 साल बाद पता चला कि वह मेरी नहीं बल्कि किसी और की ही पत्नी है। ये सुन के तो मुझे बहुत ही गहरा धक्का लगा था। ये बात मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने शालिनी को उसके बालों से ज़ोर से पकड़ा और उससे कहा कि अब तुम्हारा ये तमाशा बहुत हो चुका, सारी सच्चाई मुझे सच सच बताओ। मेरे पूछने पर शालिनी ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। शालिनी ने जिस लड़के से शादी की थी उसका नाम सूरज था। सूरज शालिनी के मौसी के बेटे अजीत का दोस्त था। अजीत ने ही सूरज और शालिनी को मिलवाया था और इन दोनों की मोहब्बत 3 सालों तक परवान चढ़ती रही। शालिनी ने अपने और सूरज के रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताया था और उसके घर वाले शालिनी की शादी सूरज से करने को राजी नहीं हुए थे, इसीलिए इन दोनों ने फिर चुपके से शादी कर ली। पर यह बात इन दोनों ने उस वक्त किसी को भी नहीं बताई। सूरज शालिनी को बस यही तसल्ली देता कि जब उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने घर वालों को अपनी शादी का सच बताएगा, और जब घर वाले मान जाएंगे तो फिर वो शालिनी को अपने घर लेकर जाएगा। पर 1-2 साल बाद भी सूरज की कोई नौकरी नहीं लगी और इधर शालिनी के घर वाले शालिनी का रिश्ता ढूंढने में लगे थे। और इसी बीच में मेरे पापा ने शालिनी के पापा से बात की तो वो तुरंत इस रिश्ते के लिए मान गए थे। शालिनी ने डर के मारे अपने घर वालों को अपनी शादी की बात नहीं बताई और ना चाहते हुए भी खामोशी से उसने मुझसे शादी कर ली। उसके बाद जब सूरज को शालिनी की शादी की बात पता चली तो उसने कहा कि तुम अपने पति को कोई भी बहाना करके अपने करीब मत आने देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने घर वालों को मनाने की, अगर वो लोग मान जाएंगे तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा, इसीलिए शालिनी मुझसे दूर दूर रहती है और शादी से लेकर आज तक वह इसी इंतज़ार में है कि कब सूरज अपने घर वालों को मनाएगा और अपने शादी की सच्चाई सबको बताकर उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सब कहते हुए शालिनी फूट फूट कर रोने लगी। सूरज की मोहब्बत का दामन थामे इस इंतज़ार में जिंदा थी कि एक न एक दिन वो उसे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन शालिनी की बातें सुनने के बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से ये जान गया था
कि सूरज ने शालिनी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ही किया है और कुछ भी नहीं। मैंने शालिनी को बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम सूरज के साथ रहना चाहती हो कि मेरे? मेरे इस सवाल पर शालिनी खामोश हो गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद शालिनी ने मुझसे कहा कि उसे मेरा साथ और स्वभाव बहुत पसंद है। एक साल तक एक साथ रहते रहते उसे मेरी आदत हो चुकी है। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन वह मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। शालिनी की शक्ल बता रही थी कि उसे अंदाज़ा हो गया है कि सूरज ने उसे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है और वो कभी उसे नहीं ले जाएगा। वो बस उसे झूठी तसल्लियाँ ही दे रहा था। मैंने शालिनी को समझाया कि तुम बेफिक्र रहो, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ रह सकती हो, और रही सूरज की बात तो मैं कानूनी तरीके से तुम्हारा उससे तलाक करवा दूंगा। मेरी ये बात सुनकर शालिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। मेरे मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद वो आकर मेरे सीने से लग गई और कहने लगी कि आप ही मेरी सच्ची मोहब्बत हैं। बचपने में आकर मैंने गलत इंसान को अपने लिए चुन लिया था। मैंने भी उसे अपनी आगोश में भर लिया था। अगले कुछ दिनों में मैंने तलाक के पेपर्स को बनवा कर सूरज और शालिनी का तलाक करवा दिया। शालिनी ने गलत इंसान पर भरोसा करके बहुत से रिश्तों को खतरे में डाल दिया था। अगर मुझे उससे सच्ची मोहब्बत ना होती तो शायद मैं उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया होता, लेकिन वो मेरी मोहब्बत थी, इसलिए मैंने उसके सारे गुनाहों को नज़रअंदाज करते हुए उसे दिल से अपना लिया था। लेकिन मेरी तमाम बहन बेटियों से ये गुजारिश है कि किसी सूरज की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि हर किसी की किस्मत में अरुण नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।